भी मुझे आप सुन रहे हो, मुझे पता है कि आप अपने सपनों से समझौता करने वाले लोग नहीं हो। अपने सपनों को लेके बहुत सीरियस हो, राइट? मैं भी आप जैसी ही थी और अभी भी हूँ, और इसीलिए आज एज अ जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एज अ सिंगर, नॉवलिस्ट, स्क्रीन प्ले राइटर एंड एक्टर आपके सामने खड़ी हूँ। नमस्ते, मेरा नाम सोनल लक्ष्मीदास सोनकवड़े। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ये एक ऐसी एग्जाम है जो पूरे साल भर चलती रहती है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के 3 पड़ाव होते हैं, प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, मेंस सब्जेक्टिव टेस्ट है, जनरल अवेयरनेस की, नॉलेज की, एंड इंटरव्यू एक पर्सनैलिटी टेस्ट होती है। देश भर से 10 लाख लोग इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं प्रीलिम्स में, जिनमें से 10,000 लोग मेंस के लिए बुलाए जाते हैं और सिर्फ 2,000 लोगों का इंटरव्यू होता है न्यू दिल्ली में, जिसके बाद मात्र 1,000 लोगों का सिलेक्शन होता है और उनका नाम सिविल लिस्ट में आते हैं। वर्ल्ड सेकेंड टफेस्ट एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम को माना जाता है और बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम के तैयारी के लिए जुट जाते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू का पड़ाव पार करने के बाद 3 बार अगर इंटरव्यू से आपको बाहर निकाल दिया जाए तो आपको कैसे लगेगा, ये शायद एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट ही समझ सकता है। पर मैंने फेल्योर की हैट्रिक बनाने के बाद उसको सक्सेस की हैट्रिक में कन्वर्ट किया, और आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी गलतियाँ थी जिसके वजह से मुझे फेल्योर 3 बार मिला, और वो क्या टर्निंग पॉइंट था जिसके वजह से फेल्योर के हैट्रिक को सक्सेस के हैट्रिक में मैं कन्वर्ट कर पाई। अगर मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में 3 बार फेल हो चुकी हूँ तो आपको ऐसे लग रहा है कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, तो बिल्कुल नहीं। 4th स्टैंडर्ड में मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, 7th स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप मिली थी, 10th में मैं मेरिट मुंबई बोर्ड के मेरिट लिस्ट में थी, 12th में मैं मेरिट लिस्ट में थी, 8th स्टैंडर्ड में मुझे महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का स्कॉलरशिप मिला था, 9th में भी मिला था, 10th स्टैंडर्ड में नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का स्कॉलरशिप मिला था। तो पढ़ाई में मैं बहुत होनहार बच्ची थी, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए जिलाधिकारी बन जाऊँ ये सपना देखा था। और दोस्तों, जब मेरे मम्मी पापा ने यह सपना देखा था तो मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। मेरी मम्मी अभी भी बताती है कि जिस गाँव के जिस घर में मेरा जन्म हुआ था उस घर में टॉयलेट भी नहीं था। मेरे पापा MSEB में, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक जूनियर इंजीनियर थे, और मेरी मम्मी हाउस मेकर थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक बहुत बड़ा सपना देखा। और आज मुझे लगता है कि बड़े सपने देखना कितना ज़रूरी है। अगर उन्होंने वो सपना नहीं देखा होता तो मैं आज उसको पूरा करके आपके सामने नहीं होती। जब मुझे 4th कक्षा की स्कॉलरशिप मिली थी तब मुझे किसी एक जर्नलिस्ट ने आके पूछा था कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में जाके, और मैंने कहा था कि मैं जिलाधिकारी बनना चाहती हूँ। तब मुझे नहीं पता था कि जिलाधिकारी के ड्यूटीज़ क्या होते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं, उनके क्या अथॉरिटीज़ होते हैं, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं वो बनना चाहती हूँ। कल के जिलाधिकारी सोनल लक्ष्मीदास सोनकवड़े, ये हेडलाइन का एक न्यूज़पेपर आर्टिकल मेरे सामने 4th स्टैंडर्ड से था, जिसको देखते देखते मैं पढ़ती रही। 12th कक्षा के बाद मेरिट लिस्ट में आने के बाद मेरे पापा ने मुझे इंजीनियरिंग या डॉक्टर के पढ़ाई के लिए नहीं भेजा। मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मुझे कोई अल्टरनेट करियर ऑप्शन मेरे सामने हो, वो चाहते थे कि मैं सिंगल माइंडेड फोकस स्टडी कर पाऊँ। उनका सोचना बहुत सही था, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम नहीं दे सकते या क्रैक नहीं कर सकते। अगर आपका प्राइमरी फोकस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। अब मेरा ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए ना, जब मुझे IRS IIT पोस्ट मिला तब घर के कुछ परिस्थितियों के कारण मुझे भी जॉब करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी मेरा गोल, मेरा ध्येय, मेरा लक्ष्य, इसको मैंने नज़र के सामने से हटने नहीं दिया। तो मेरे UPSC सिविल सर्विसेज के पहले अटेम्प्ट के लिए मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने नो कहना सीख लिया, नो टू फ्रेंड्स, नो टू सोशल गैदरिंग्स, नो टू मूवी, नो टू मस्ती, नो टू एवरीथिंग इन लाइफ एंड जस्ट फोकस स्टडीज। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन
एंड मेमोराइजेशन टेक्निक को अडॉप्ट किया, रिविजन एंड रिकॉल टेक्निक को अडॉप्ट किया, बहुत हार्ड स्टडी किया, एक घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिवली मैं पढ़ पाऊँ इसके लिए बहुत मेहनत की, 10-10, 15-15 घंटे पढ़ती रही, लेकिन फिर भी लाइफ में मुझे पहली बार फेल्यूर से सामना करना पड़ा। खैर, मुझे पता था कि मेरे पहले अटेम्प्ट में मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी। मैंने बैलेंस स्टडी नहीं की थी, GS और ऑप्शनल की बैलेंस स्टडी नहीं की थी, करंट इवेंट्स एंड ऑप्शनल की बैलेंस स्टडी नहीं की थी, UPSC के वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा सिलेबस मैंने छोड़ दिया था, और इन्हीं सारे डिफेक्ट्स को निकालते हुए मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया, 100% देके सेकंड अटेम्प्ट लिखा। अब कोई भी गलती नहीं थी मेरे प्रिपरेशन में, लेकिन फिर भी मैं सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक नहीं कर पाई। तो दोस्तों, आप जब एक ऐसे बच्चे होते हो जो एवरेज से ज़्यादा हो, तो आपके मम्मी पापा की, आपके सोसाइटी की, आपके फ्रेंड्स की आपसे बहुत सारी उम्मीदें होती है, और लगातार 2 अटेम्प्ट में फेल्योर आने के बाद वो उम्मीदें टूट गई और मैं डिप्रेशन का शिकार बन गई। खैर, UPSC एक ऐसी एग्ज़ाम है जो IQ की एग्ज़ाम नहीं है सिर्फ, तो EQ की भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस। और अब जैसे ही मैं डिप्रेशन का शिकार बन गई, मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस की एग्ज़ाम शुरू हो गई थी। तो लगभग 2 महीने में मैं डिप्रेशन से बाहर निकली और फिर से मेरे 3rd अटेम्प्ट की पढ़ाई में जुट गई, लेकिन फिर भी मैं 3rd अटेम्प्ट को भी क्रैक नहीं कर पाई। तो दोस्तों, लेट मी सम अप 3 मिस्टेक्स ऑफ माई UPSC जर्नी। सबसे पहली मिस्टेक, मैंने बैलेंस स्टडी नहीं किया। सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को सामने रख के मैंने पढ़ाई नहीं की। दूसरी मिस्टेक, मैं पढ़ती गई, लॉन्ग आवर्स पढ़ती गई, 12 घंटे 15 घंटे, लेकिन मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, मॉक इंटरव्यूज नहीं दिए। और तीसरी मिस्टेक और सबसे महत्वपूर्ण मिस्टेक ये थी कि जब भी फेल्यूर मिला, मैंने फेल्यूर का कारण एक्सटर्नल चीज़ों को बनाया। मैंने लक को ब्लेम किया, इंटरव्यू बोर्ड को ब्लेम किया, मैंने मेरे मेंस के एग्ज़ाम सेंटर को ब्लेम किया। अगर मैं खुद के अंदर देखती और खुद के मिस्टेक्स को पहचान पाती, तो शायद 3 बार मुझे फेल्यूर्स का सामना नहीं करना पड़ता। खैर, ये सब मैं अब समझ चुकी थी और 4th अटेम्प्ट के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। अब मेरे मिस्टेक्स मुझे समझ में आए थे और मैं जुट के पढ़ाई करके मैं 4th अटेम्प्ट में पोस्ट को निकालना चाह रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक मेरे पेरेंट्स का विश्वास मेरे ऊपर से टूट गया था। अब मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करना चाह रहे थे। एक दिन ऐसे स्टडी में मैं पढ़ रही थी और मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि घर में कुछ लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो इवनिंग को मुझे घर में रहना है। मैंने साफ मना कर दिया। मम्मी ने कहा कि अगर इस घर में रहना है तो इस घर के कायदे कानून तो मानने पड़ेंगे। तब मैंने डिसाइड कर दिया कि नहीं रहना है मुझे। जब तक मुझे UPSC की कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, तब तक मैं इस घर में वापस नहीं आऊँगी। ये सोच के मैंने मेरे बुक्स और मेरे कपड़े लेके मैं घर से चल गई। मैं बहुत पैम्पर्ड लड़की थी, ये सपना भी उनका ही था, मेरे पेरेंट्स का। मुझे स्टडी करते हुए मेरा कंसंट्रेशन बना रहे, मेरी एनर्जी लेवल बनी रहे, इसलिए वो मुझे स्टडी टेबल पे फ्रूट देते थे, TV का वॉल्यूम कम रखते थे, किसी गेस्ट को भी नहीं बुलाते थे। लेकिन ये सब अब पीछे छूट गया था। अब उनका सपना मेरा सपना बन चुका था और उस सपने को पूरा करने के लिए मैं घर से निकल चुकी थी। घर से निकलने के बाद मैंने एक PG ढूंढी, एक मेस लगाई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। खैर, भले ही मैं 2nd अटेम्प्ट में मेरा UPSC में सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन हिस्ट्री सब्जेक्ट में मैं नेशनल टॉपर थी। इसके लिए पुणे में सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने मुझे सिखाने के लिए, टीचिंग करने के लिए ऑफर दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात यह है कि जब मैंने घर छोड़ा था, तब रोटी, कपड़ा, मकान, इस सब के बारे में मैंने नहीं सोचा, सिर्फ मेरे गोल के बारे में सोचा। शायद मेरी जिद को देख के लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने शुरू हो गया था। अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने की साजिश करती है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं IR SIT बन गई और घर वापस भी आ गई।
तब तक मैं एमपीएससी के टॉपर बनके डिप्टी कलेक्टर थाने के पद पे भी तैनात हो चुकी थी। आईआरएसआईटी बनके मैं 2010 में नागपुर के एकेडमी में रवाना हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो न्यूज़पेपर के हेडलाइन वाला सपना अभी भी पूरा करना बाकी था। अभी भी मैं आईएएस नहीं बनी थी। नागपुर में जाके मैं अगर कॉम्प्लेसेंट बन जाती, अगर मैं बहुत आत्मसंतुष्ट बन जाती, वहाँ का ट्रेनिंग एंजॉय करने लगती, तो वो कभी नहीं होता। इसलिए ट्रेनिंग के साथ 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 सर्विस के साथ साथ पढ़ाई करते हुए मैंने 2 बार आईपीएस अचीव किया, लेकिन फिर भी मैंने आईपीएस को कभी ज्वाइन नहीं किया, बिकॉज आई नेवर वॉन्टेड टू शाउट एंड सिंग इन वन लाइन। तो दोस्तों, आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि ऐसे कौन से 3 कारण थे जिसके वजह से मैं फेल्योर के हैट्रिक को सक्सेस के हैट्रिक में बदल पाई, तो वो 3 कारण ये थे। पहला कारण कि मम्मी पापा का जो सपना था बचपन से, वो अब मेरा सपना बन चुका था। दूसरा कारण, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते करते मैं खुद को बहुत अच्छे से पहचान चुकी थी। मेरे कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, कौन से वीकनेसेस हैं, कौन से स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मेरा कितना रीडिंग स्पीड है, मेरा टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, मुझे कितने ब्रेक्स की ज़रूरत है, सब कुछ जान चुकी थी। और खुद के बारे में मैं जितना रूबरू हो चुकी थी, उतना ही मैं एग्ज़ाम के बारे में भी रूबरू हो चुकी थी। एग्ज़ाम के डिमांड्स क्या है, नेचर क्या है, सब कुछ जान चुकी थी, इसलिए मैं क्रैक कर पाई। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, मेरी फेल्योर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने खुद लेना शुरू कर दिया था। पर इन 6 अटेम्प्ट्स के बाद भी मैं आईएएस नहीं बन पाई थी। दोस्तों, मुझे लगता है कि लाइफ में जितना चलना ज़रूरी है, उतना ही कहीं पे रुकना ज़रूरी है। लाइफ में ठहराव ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आईआरएसआईटी को चुना करियर। और अब बारी थी जो हॉबीज़ मेरे पीछे छूट गए थे, उनके लिए मेरे जो ड्रीम्स थे उसको हकीकत में बदलने की। आईआरएसआईटी के सर्विस में आने के बाद मैंने सिंगिंग का रियाज शुरू किया। 2-2, 3-3 घंटे मैं मेरे जॉब के बाद मैं रियाज करती थी। मैंने एक अल्बम बनाया, मोरे सावरे अल्बम, जी म्यूज़िक ने रिलीज़ किया। उसके लिए मुझे दादा साहब फाड़के इंटरनेशनल अवार्ड 2017 में मिला। फिर उसके बाद मैं कम्फर्ट जोन में रहने वाली लड़की थी ही नहीं। उसके बाद मैंने राइटिंग शुरू कर दिया, राइटिंग मेरा और एक पैशन था। ऑफिस होने के बाद मैं घर पे आके पूरी रात रात भर लिखती थी। 1 साल ऐसे ही एक एक बुक में चला गया। 2 बुक्स मेरे रिलीज़ हुए, एक पामा, दूसरा सो वॉर्ड। एक क्रॉसवर्ड जैसे बहुत अच्छे पब्लिशर ने मुझे अप्रोच किया, दोनों बुक वहाँ पे रिलीज़ हो गए। जब दूसरा बुक मैंने लिखा, मुझे लगा थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है, तो मैंने जावेद जी को भेजा। उन्होंने बुक पढ़ा और मुझे कहा कि तुम डिप्टी कमिश्नर हो इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन तुम एक लड़की हो और तुम बोल रही हो सो वॉट, इसलिए मैं आपका बुक रिलीज़ करने के लिए आ रहा हूँ। तो जावेद जी ने मेरा बुक लॉन्च किया मुंबई में। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग करना है, मुझे एक्टिंग सीखना है। अनुपम खेस एक्टिंग एकेडमी सांता क्रूज में थी, मैं सीवुड्स में रहती थी, मेरा चर्चगेट में ऑफिस था। सीवुड्स टू चर्चगेट 2 घंटे का रास्ता, चर्चगेट से लेकर अनुपम खेर एक्टिंग एकेडमी का 3 घंटे का रास्ता। इतना सारा ट्रैवलिंग टाइम, साथ ही साथ जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब एक साथ चल रहा था। कई लोग मुझे पूछते हैं कि टाइम कैसे मैनेज कर पाती थी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ये सब करने की बर्निंग डिज़ायर मेरे अंदर थी। 1.5 महीने का एक्टिंग कोर्स किया, उसके बाद मैंने एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म रिलीज़ की, जस्ट वन साइन, ऑर्गन डोनेशन के कॉज को लेकर। लोग पूछते हैं कि इतना सब करने के लिए तुम्हारे पास टाइम कैसे मैनेज होता है, तो दोस्तों, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपके मन में बर्निंग डिज़ायर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता।